कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल, तो आज का जो सेगमेंट है बेटा वो हमारा स्टार्ट होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। कल हमने सार्कोमेयर को डिटेल डिस्कस किया था और हमने कहा था कि सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। बेटा प्लीज़ अपनी माइक ऑफ करें, सभी बच्चे अपनी वीडियो और माइक ऑफ कर लें, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी लेक्चर को समझने में। समझने पे ध्यान दें ना कि एक दूसरे को देखने पे। क्लियर है पॉइंट आप सबको? तो टुडे वी स्टार्ट विथ केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो अपनी जो स्केलेटल मसल्स है वो 75% किससे मिलके बनी है बेटा? वाटर। आपको पता ही है मोस्ट ऑफ जो स्ट्रक्चर है, यदि मैं कहूँ कि मेजर कंपोनेंट है अपनी बॉडी का, वो कौन कंस्टिट्यूट करती है? वाटर। एंड 25% इज सॉलिड पार्ट। स्केलेटल मसल की बात कर रही हूँ तो स्केलेटल मसल में 75% वॉल्यूम जो है, वेट है, वो कौन एक्वायर करती है? वाटर। एंड 25% वॉल्यूम इज सॉलिड। सॉलिड है बेटा, तो इस सॉलिड में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो दिस सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्केलेटल मसल इंक्लूड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस। तो 25% जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका स्केलेटल मसल का, उस 25% में 20% मसल प्रोटीन है, मसल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। एंड द नेक्स्ट इज 5% अदर सब्सटेंस। देख लें आप, मैंने क्या कहा कि 75% वाटर, 25% सॉलिड, इस 25% में 20% मसल प्रोटीन एंड 5% अदर सब्सटेंस। अब देख लें आप इसको कि जो 20% मसल प्रोटीन है इसको फर्दर हमने टू कैटेगरी में, मेजर टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। व्हाट डू मीन बाय सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन? द प्रोटीन लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सार्कोमेयर। उसको आपने टर्म यूज़ कर लिया था बेटा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म इज़ द लिक्विड कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन्स कह दिया आपने। एंड सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और यू कैन कॉल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। क्लियर? तो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन में तीन आ जाते हैं, ग्लोबुलिन जो इम्यूनिटी देते हैं, एंड द थर्ड वन इज मायोग्लोबिन। मायो स्टैंड फॉर मसल, ग्लोबिन मायोग्लोबिन विच स्टोर ऑक्सीजन। तो जो रेड मसल आपकी, आपने सुना होगा वाइट मसल, रेड मसल, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि मसल्स जो रेड मसल है वो रेड कलर की क्यों होती है। इट इज़ ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर प्रोटीन मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन पढ़ा है आपने, उसी तरह से मसल्स में एक्स्ट्रा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं जो किसको स्टोर करते हैं, किसको कैरी करते हैं? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन भी मसल्स के सार्कोप्लाज्म में रहता है। जिन मसल्स में ज़्यादा होता है उनका कलर रेड होता है, जिनमें लैकिंग होता है उनका कलर वाइट होता है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टोरिंग यूनिट एक्स्ट्रा इज सेड टू बी मायोग्लोबिन। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स प्रोटीन को हमने फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा, थ्री कैटेगरी में। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन आर डिविजिबल इनटू थ्री कैटेगरी। देखें आप कौन कौन सी कैटेगरी। सबसे पहला फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। नाम से क्लियर है, फोर्स, जो फोर्स जनरेट करेंगी और जो आपकी मसल्स में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी उनको आप बोलते हो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स। एंड दे मेनली इंक्लूड एक्टिन एंड मायोसिन। ये इसमें कौन आ जाती हैं आपकी? एक्टिन एंड मायोसिन। फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि ईजी रहे आपको याद करना, अंडरस्टैंडिंग की कौन से प्रोटीन क्या करते होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी इज रेगुलेटिंग प्रोटीन। क्या आपकी मसल हर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं? जैसे कोई स्टिमुलेट नहीं आया तो क्या अपने आप हाथ पैर हिलना शुरू हो जाएगा? नो। इसका मतलब अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो,
उसको रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से प्रोटीन होते हैं? रेगुलेटिंग प्रोटीन। एंड रेगुलेटिंग प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, प्लीज़ फोकस करें, अच्छे से समझ में आएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोटीन आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सार्कोमेयर मसल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं और एक रिजिडिटी, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो नेम से क्लियर हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती हैं आपकी? दे इंक्लूड जेड लाइन, क्योंकि आपको मैंने बताया था द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव जेड लाइन इज सेड टू बी सार्कोमेयर। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को आप सार्कोमेयर कहते हो, और जेड लाइन ही एक लिमिट करता है कि इतनी लेंथ है सार्कोमेयर की। तो जेड लाइन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, आप बताएं, कल ही मैंने बताया था, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिनिन। तो आप देख रहे हैं कि 25% सॉलिड पार्ट में 20% जो है वो क्या है, आपका मस्कुलर प्रोटीन है। दे इंक्लूड मेनली सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, मायोग्लोबिन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सार्कोमेयर दैट इज एसोसिएटेड विद मस्कुलर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। फर्स्ट वन इज फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के बिना मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। तो मेजर यदि आपसे कैटेगरी पूछी जाए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यू गो थ्रू एक्टिन एंड मायोसिन। सेकेंड कैटेगरी इज रेगुलेटिंग प्रोटीन विच चेक अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन। अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन ना हो, अनवांटेड मूवमेंट ना हो, तो रेगुलेटरी प्रोटीन। एंड थर्ड वन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नाउ कम ओवर 5% अदर सब्सटेंस। क्या होते हैं 5% अदर सब्सटेंस? मैं यहाँ पे राइट करूँगी, स्पेस नहीं है बेटा। तो 5% अदर सब्सटेंस विच आर लोकेटेड इन सार्कोप्लाज्म, क्या करते हैं ये, उसके बारे में तो हम बाद में देखेंगे। तो 5% अदर सब्सटेंस इंक्लूड, यू कैन राइट डाउन, 5% अदर सब्सटेंस इंक्लूड, सब्सटेंसेस इंक्लूड क्रिटिनिन, ये क्रिटाइन, सॉरी क्रिटाइन, क्रिटाइन आप पढ़ चुके हैं, विच स्टोर एक्स्ट्रा फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिटाइन फॉस्फेट, एंड ऑन मेटाबॉलिज्म इट ट्रांसफॉर्म इन टू क्रिटिनिन विच इज़ नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीटेड साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विथ यूरिन। तो क्रिटाइन वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट को स्टोर करके रखते हैं, एंड दे इमीडिएटली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस चलती हैं उसके लिए एनर्जी कौन देता है? एटीपी, जिसको आप एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप क्या बोलते हो? एनर्जी करेंसी, मोस्ट वाइडली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपकी बॉडी, आपके सेल यूटिलाइज करते हैं ऑल सेलुलर फंक्शनिंग, उसको आप क्या बोलते हो? एटीपी। तो एटीपी जब एनर्जी देती है तो इट कन्वर्ट इनटू एडीपी विथ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एक्स्ट्रा फॉस्फेट कौन स्टोर करके रखते हैं बेटा? क्रिटिनिन, क्रिटाइन इन द फॉर्म ऑफ क्रिटाइन फॉस्फेट, सीपी बोलते हैं इसको, क्रिटाइन फॉस्फेट, ताकि ये फटाफट एडीपी को किस में कन्वर्ट कर सकें? एटीपी में। इट एंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी एंड विच साइमल्टेनियस कन्वर्ट इनटू एटीपी। मतलब एडीपी को फटाफट किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में, ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई बनी रहे किसकी? एटीपी की। ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मिलेंगी उतनी बेटर वे में मसल कॉन्ट्रैक्शन चलेंगी, बिकॉज ईच मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल रिक्वायर 2 ATP। एक जो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड बेटा? 2 ATP। तो इट इज़ हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एटीपी। थर्ड वन इज़ ग्लाइकोजन। आपको मैंने बताया कि, सुना भी होगा आपने, कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके लीवर में स्टोर हो जाता है बेटा, ग्लाइकोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन पढ़ा है आपने 10th class में। तो ग्लाइकोजन, एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन, विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी एनिमल स्टार्च। तो मोस्ट ऑफ ग्लाइकोजन आपको लीवर में स्टोर मिलेगा बेटा, एंड लिटिल बिट स्टोर इन मसल। तो मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है, क्योंकि यदि ग्लूकोज की थोड़ी भी कमी हुई, क्योंकि व्हाट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में? एनर्जी कौन प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज करते हैं। और ग्लूकोज कहाँ से निकलते हैं? ग्लाइकोजन से, क्योंकि
एक्सेस ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं रहते, दे मेनली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और वो कहाँ स्टोर होते हैं बेटा? सबसे ज़्यादा ग्लाइकोजन आपके लिवर में, नंबर टू मसल्स में, और तीसरा एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू में भी ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं। एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस दे मेनली इंक्लूड पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, बायकार्बोनेट आयन, एंड द सिग्निफिकेंट वन इज कैल्शियम आयन विच स्टोर्ड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपने देखा कि जो एक बार फटाफट लिखें और मैं रिकैप करती हूँ कि जो हमारी स्केलेटल मसल है इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ वाटर 75% वॉल्यूम, 25% वॉल्यूम दैट इज सॉलिड स्ट्रक्चर इज कंस्टिट्यूट ऑफ मसल प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस। मसल प्रोटीन बेसिकली डिविजिबल इनटू टू कैटेगरी, सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, और कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, यू कैन राइट डाउन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और मसल प्रोटीन्स, क्लियर? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को हमने फर्दर थ्री कैटेगरी में डाल दिया बेटा, फोर्स जनरेटिंग, रेगुलेटिंग प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और 5% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपने क्या क्या देखा? क्रिटाइन फॉस्फेट देखा, ग्लाइकोजन देखा और इनऑर्गेनिक आयंस देखा। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो जो आज का अगेन केमिकल कंपोजिशन क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन है बेटा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है एंड हाउ दे हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हेडिंग डालें स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, डिटेल में चलेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हेडिंग डालें फटाफट। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। इन प्रीवियस सेगमेंट वी डिस्कस अबाउट सार्कोमियर, और मैंने आपको बताया था कि जो ए बैंड है एन आइसोट्रॉपिक बैंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ मायोसिन एंड योर आइसोट्रॉपिक बैंड मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिन। तो मैंने शॉर्ट में एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने के लिए, ताकि आपको याद रहे जो बच्चे कल नहीं पढ़ पाए थे, दहलीज, क्लियर? डी स्टैंड फॉर डार्क बैंड, डार्क बैंड जो किससे बना है आपका? मायोसिन से। किससे बना है बेटा? मायोसिन से। ए ये क्योंकि ये डबल रिफ्रैक्टिव होती है इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? अनआइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक। सार्कोमेयर के बीच में सेंटर में कौन सा जोन था बेटा? एच जोन और हैंसेंस जोन। कल ही मैंने बताया था आपको हैंसेंस जोन, ये जस्ट आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। L स्टैंड फॉर लाइट जोन और लाइट बैंड, लाइट बैंड। ये लाइट बैंड किससे मिलके बना है बेटा? एक्टिन से। किससे मिलके बना है? एक्टिन से। जो लाइट बैंड है इट इज़ मोनो रिफ्रैक्टिव, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक बैंड, आइसोट्रॉपिक। एंड जेड स्टैंड फॉर जेड लाइन, इसको क्या बोल दिया आपने? जेड लाइन, क्रॉस मैम्ब्रेन एंड डबल्स मैम्ब्रेन, कल हमने पढ़ लिया था। तो ये शॉर्ट मेनोमिक है याद करने के लिए कि वट आर द मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ योर सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर की बात करूँ तो सुनते ही आपके माइंड में आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एंड इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। तो आज का जो सेगमेंट रहेगा वो इन दोनों के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे हम, क्योंकि जब तक आप इनके केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन साइकिल भी एक्सप्लेन समझ में नहीं आएगी। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। कैसे होते हैं ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन? तो हेडिंग डालें बेटा मायोसिन फिलामेंट, कि मायोसिन कैसे प्रोटीन है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, फटाफट राइट करें। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। सबसे पहला आ जाते हैं मायोसिन, हेडिंग डालें मायोसिन।
दो तरह के फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन पढ़ेंगे हम, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन और मायोसिन फिलामेंट, यू कैन कॉल मायोसिन और मायोसिन फिलामेंट, फिलामेंट, एंड इट इज ऑल्सो सेट टू बी प्राइमरी प्रोटीन। एक बार नेट में आया है कि फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल, विच प्रोटीन इज सेट टू बी प्राइमरी प्रोटीन विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? नाउ कम ओवर, क्या होता है मायोसिन और किससे मिलके बना है? कोई प्रोटीन है बेटा मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सुनते आ रहे हैं हम। एक, यदि इसमें एक मोनोमर यूनिट है तो मोनोमेरिक, मेनी मोनोमर्स यूनिट है तो पॉलीमेरिक प्रोटीन। तो यू कैन गो राइट डाउन कि मायोसिन कैसा प्रोटीन है। एक्चुअली दीज आर पॉलीमेरिक प्रोटीन, बहुत सारी मोनोमर यूनिट से जुड़ के बना होता है। तो इसकी मोनोमर यूनिट, जैसे पॉलीथीन सुना होगा आपने, तो पॉलीथीन जो है आपका प्लास्टिक, पॉलीथीन प्लास्टिक पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है बेटा? इथीन। उसी तरह से मायोसिन भी पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर यूनिट क्या है जिससे ये मिलके बना है? उसको बोलते हैं मीरोमायोसिन। तो नेक्स्ट राइट डाउन, मायोसिन इज अ पॉलीमर। ये क्या है बेटा? पॉलीमर है। ये क्या है? पॉलीमर है, पॉलीमेरिक प्रोटीन है। एंड इट्स मोनोमेरिक और मोनोमर यूनिट, मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन नोन एज मीरोमायोसिन। किस नाम से जाना जाता है इसको? मीरोमायोसिन, इंपॉर्टेंट है, नोन एज मीरोमायोसिन। इसकी एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? मीरोमायोसिन। मतलब बहुत सारी मीरोमायोसिन जुड़ेंगी तो आपकी मायोसिन बनेगी, मायोसिन फिलामेंट बनेगा। तो मायोसिन इज द मोनोमर यूनिट, मीरोमायोसिन इज द मोनोमर यूनिट ऑफ मायोसिन। क्लियर? ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ईच मीरोमायोसिन हैज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके। कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोबुलर हेड। देखेंगे हम स्ट्रक्चर में, आपको समझ में आएगा। ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसका हेड ग्लोबुलर होता है, फुला हुआ होता है, स्वोलन होता है, विद अ शॉर्ट आर्म, छोटी सी आर्म होती है, एंड अ टेल। देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है। जो ग्लोबुलर हेड है बेटा, उसकी जो डेंसिटी है, मॉलिकुलर वेट है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टेल। तो ये हैवी है, मतलब इसको हैवी मीरोमायोसिन कहेंगे। लेटर ऑन देखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मैंने बनाया यहाँ पे मीरोमायोसिन, ये बेटा। क्लियर? इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आम नहीं बनी। ये है टेल किसकी? एक मीरोमायोसिन की, दूसरा कॉइल्ड होता है, ये हेड है। तो आप देखें इसमें क्या दिख रहा है आपको। ये हेड है, ये क्या है इसका? आर्म है, और ये लॉन्ग क्या है इसकी? टेल है। तो यू कैन राइट डाउन आर्म, और यू कैन कॉल विद अ शॉर्ट आर्म और शॉर्ट नेक, प्रॉपर वर्ड रहेगा शॉर्ट नेक। द आर्म यू कैन कॉल नेक, हेड से नीचे तो नेक ही होता है ना बेटा, आर्म कैसे बोलेंगे? ये क्या बोल दिया मैंने? नेक। ये क्या बोल दिया मैंने? हेड। और इसको मैंने क्या बोल दिया? टेल, लॉन्ग टेल। ऐसा बोला मैंने कि जो आपका मीरोमायोसिन है, इसमें टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ग्लोबुलर हेड है, बहुत छोटा सा नेक है, और एक लंबी सी टेल है किसकी? मीरोमायोसिन की। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो ये आपको दिख रहा है, डेफिनेटली ये मोटी है बेटा, हेड ग्लोबुलर पार्ट है, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इट इज़ सेड टू बी HMM, हैवी मीरोमायोसिन। इसको क्या बोला जाता हैवी मीरोमायोसिन। क्लियर? और ये थोड़ा सा लाइट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन।
तो आपकी जो मायोसिन है विच फॉर्म डार्क बैंड इन सार्कोमेयर, वो कैसा प्रोटीन है बेटा? पॉलीमर। इसकी सिंगल मोनोमर यूनिट को क्या कहा आपने? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर को देखते हो तो हेड है और टेल है और बहुत छोटी सी नेक है। हेड जो है इसका वेट बहुत ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ सेड टू बी हैवी मीरोमायोसिन। टेल जो लंबी है लेकिन बहुत पतली थिन है, इसीलिए इसका वेट कम है, मॉलिकुलर वेट कम है, दैट्स व्हाई इट इज़ सेड टू बी LMM, लाइट मीरोमायोसिन। अब देखते हैं हेड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हेड में दो साइट है बेटा। हेड में कितने साइट बना दिए मैंने? दो। देखें आप, एक मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, एक मैंने रेड कलर से बना दिया। देखें आप मैंने क्या बनाया है यहाँ पे। जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर है हेयर, ग्रीन कलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ATP बाइंडिंग साइट। दीज आर ATP बाइंडिंग साइट। व्हाट यू मीन बाय ATP बाइंडिंग साइट? यहाँ पे आके ATP जुड़ेंगे और एनर्जी देंगे। जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन बिगेन नहीं होगी। और इस पे से ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये रेड कलर का देखें आप, ये रेड कलर का इसको बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे आपका एक्टिन प्रोटीन आके बाउंड करता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये था आपका नेक। देखें आप मैंने क्या क्या लिखा। मैंने कहा कि जो मीरोमायोसिन है इट इज़ कम्पोज ऑफ मेनली टू पार्ट, हेड एंड टेल पार्ट विथ शॉर्ट नेक। हेड में दो बाइंडिंग साइट दिख रहे हैं, हर एक हेड में कितने बाइंडिंग साइट दिख रहे हैं? दो। ग्रीन कलर से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ATP बाइंडिंग साइट, एनर्जी मिल चुकी है इसको, एक्टिन बाउंड कर चुका है एक्टिन बाइंडिंग साइट पे। मैंने आपको देखा था, आपने मैंने बताया था कि ये मायोसिन है, ये एक्टिन इससे बाउंड कर गया। जैसे ही एक्टिन बाउंड करेगा बेटा, मायोसिन ऐसे टर्न हो जाएगा। तो एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड कर रही है? मायोसिन पे स्लाइड कर रही है। और सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती जा रही है? शॉर्ट होती जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुने कि सपोज दिस इज मायोसिन और ये इसका हेड है, इस हेड पे जाके कौन अटैच हो गया? एक्टिन। जैसे एक्टिन अटैच हुआ, दिस मायोसिन अंडरगो पावर स्ट्रोक, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड हुआ। जैसे ये पीछे की तरफ हुआ, एक्टिन इसके ऊपर क्या कर गया? स्लाइड कर गया। तो जेड लाइन क्या होती जा रही है? पास पास आती जा रही है। सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती जा रही है? शॉर्ट। तो अगेन कि आपने क्या देखा कि जो आपका मायोसिन है ये पॉलीमेरिक प्रोटीन है, इसकी सिंगल यूनिट को मीरोमायोसिन कहा आपने। इस मीरोमायोसिन मेनली मेड अप ऑफ टू पार्ट, हेड एंड टेल पार्ट विथ शॉर्ट नेक। हेड पार्ट थोड़ा हैवी है इसलिए इसको HMM कह दिया, टेल पार्ट थोड़ा लाइट है इसलिए इसको लाइट मीरोमायोसिन कह दिया। हेड पे टू बाइंडिंग साइट है, ATP बाइंडिंग साइट एंड एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा इसलिए इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देता है यहाँ पे? ATP। इसीलिए ATP किस पे बाइंड करता है? ATP बाइंडिंग साइट। तो जब तक ATP बाइंडिंग साइट पे ATP नहीं बाइंड करेंगे तब तक मायोसिन पावर स्ट्रोक नहीं क्रिएट करेगा और एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड नहीं करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो लेटर ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में देखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझना है मायोसिन का और एक्टिन का। नाउ कम ओवर ऑन द हेड पार्ट, आपने देख लिया क्या क्या प्रेजेंट है। एक्टिन साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ATP बाइंडिंग साइट है। ATP बाइंड एंड जनरेट, यहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट का काम क्या है? हेयर ATP बाइंड एंड जनरेट एनर्जी एंड दिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ATP एनर्जी देता है, एक्टिन बाइंड करता है। यू कैन राइट डाउन हेयर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ATP बाइंड एंड जनरेट एनर्जी, एंड जनरेट एनर्जी this help in formation of ectomyosin complex. What do you mean by ectomyosin complex? Actin attach हो चुका है myosin के head part से, किस site पे? Actin binding site पे। तो जब तक ATP नहीं तब तक आपके एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो मायोसिन का स्ट्रक्चर होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा M लाइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ तक आप ड्रॉ कर चुके, ये मैं इरेज करती हूँ बेटा। दिस इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोटीन। एक मीरोमायोसिन बनाया है मैंने
टू मिरोमाइसिन, ऐसे ही बहुत सारे मिरोमाइसिन होते हैं बेटा, ध्यान से देखें। ये बना दिया मैंने एक मिरोमाइसिन, सॉरी सपोज दिस इज वन मिरोमाइसिन, सेकेंड वन। इसको थोड़ा सा मैं समझाने के लिए भी आपको बताऊं कि ये एक एम लाइन है बेटा, मीजोग्रामी लाइन, विच इज़ मेड अप ऑफ, आपने मायोमायसिन प्रोटीन देखा था, ये एक मायोसिन अटैच है इधर से, एक इधर से अटैच है इस तरह से बेटा, बहुत सारे अटैच होते हैं इस तरह से अटैच होते हैं, हाईली कॉइल्ड होते हैं, ये मैंने दूर दूर बनाए हैं। तो जब इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे मायोसिन अटैच हैं मीजोग्रामी लाइन से, जब इसको आप कॉम्पैक्ट कर देंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, देखें आप। मैंने ये क्या बताया, ये एम लाइन है, ये क्या है एम लाइन, जिसको आपने एम लाइन, एम बैंड और मीजोग्रामी लाइन कहा था, एम बैंड, क्लियर। मेड अप ऑफ मायोमायोसिन और मायोमायोसिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ मायोमायोसिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ मायोमायोसिन प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो दोनों तरफ से मायोसिन को होल्ड करके रख रहा है, क्लियर। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखें कि जब आप इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कि क्यों ये आपको मोटा सा बैंड दिखाई देता है। तो जब आप इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, इसको इरेज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। देखें आप कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ये देखें आप, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे यहाँ पे अटैच हो चुके हैं आपके, क्या क्या अटैच हो चुके हैं, मीरोमायसिन, क्लियर। तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपको हेड दिखाई दे रहा है, इधर भी हेड दिखाई दे रहा है, नेक और टेल क्या हो चुके हैं कॉम्पैक्ट, तो दिस इज टेल पार्ट, और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, हेड पार्ट, हैवी मीरोमायसिन HMM, ये क्या दिख रहा है आपको LMM, लाइट मीरोमायसिन। तो दिस इज द कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये मीरोमायसिन कैसा बना दिया और मायोसिन कैसा बना दिया, तो बहुत सारे मीरोमायसिन जुड़ते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मायोसिन फिलामेंट की। तो आपने मायोसिन फिलामेंट को कौन सा प्रोटीन कहा बेटा, प्राइमरी प्रोटीन कहा, जिसके कितने पार्ट बताए मैंने मेनली आपको, दो, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। नेक बहुत छोटी होती है, हेड पार्ट थोड़ी सी डेंसिटी ज़्यादा होती है हैवी मीरोमायसिन, टेल की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, मॉलिकुलर वेट कम होता है, लाइट मीरोमायसिन। जब आप इन सबको कॉम्पैक्ट कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगी, टेल पार्ट दिखाई देगी, और इधर दोनों साइड के टेल अटैच होते हैं एक प्रोटीन के थ्रू, जिसको आप क्या बोलते हैं, मायोमायसिन प्रोटीन, विच फॉर्म एम लाइन और एम बैंड, जो आपको लगता है कि मायोसिन को बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इधर भी मायोसिन अटैच हैं, इधर भी मायोसिन अटैच हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर डार्क बैंड, और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही आप क्या बोल देते हो, डार्क बैंड बोल देते हो। नाउ कम ओवर एक्टिन फिलामेंट, तो सबसे पहला हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया बेटा, नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट, थोड़ा फास्ट करें। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट और एक्टिन प्रोटीन, और यू कैन कॉल सेकेंडरी प्रोटीन। मायोसिन को प्राइमरी कहा जाता है और एक्टिन को सेकेंडरी प्रोटीन कहा जाता है। एक्टिन किसके ऊपर स्लाइड करते हैं, मायोसिन के हेड पे, आफ्टर बाइंडिंग ओवर एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एनर्जी कौन देता है, एटीपी, विच बाइंड ओवर एटीपी बाइंडिंग साइट। नाउ कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, कि एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, थोड़ा फास्ट लिखें बच्चों, रफ कॉपी में नोट कर लें, जिनकी स्पीड थोड़ी कम है बाद में फेयर नोटबुक मेंटेन कर लें। तो नाउ कम ओवर द सेकेंडरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन आर थिन फिलामेंट। ये कैसे फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट, आर थिन फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड
जी एक्टिन। मायोसिन की मोनोमर यूनिट को आपने क्या बोला था? मीरोमायोसिन। इसकी मोनोमर यूनिट को क्या बोलते हो आप? जी एक्टिन। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एक तो जी एक्टिन और एक एफ एक्टिन। इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है बेटा। एफ स्टैंड फॉर फाइब्रस एक्टिन, फाइब्रस फाइबर लाइक, वायर लाइक, रस्सी जैसी, रोप लाइक, फाइबर लाइक, क्लियर? फाइब्रस एक्टिन मेड अप ऑफ जी एक्टिन। ये किससे मिलके बनी है? जी एक्टिन। तो आपका एक्टिन कैसा प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन है। और उसकी मोनोमर यूनिट क्या है बेटा? जी एक्टिन है, क्लियर? जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्लियर? तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आपको? मैंने कहा कि मैनी जी एक्टिन कम्बाइंड मेड अप ऑफ जी, मतलब मैनी जी एक्टिन कम्बाइंड, मैनी जी एक्टिन कम्बाइंड कम्बाइंड टू फॉर्म अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, टू फॉर्म अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड फिलामेंटस एफ एक्टिन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? फिलामेंटस एफ एक्टिन के नाम से, क्लियर? दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे आपने मायोसिन को, मायोसिन की मोनोमर यूनिट को मीरोमायोसिन कहा, उसी तरह से एक्टिन की मोनोमर यूनिट को आपने क्या कहा? जी एक्टिन। जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन। जब बहुत सारी ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़ती हैं, कंबाइंड होती हैं, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन कॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, विच इज़ कॉल्ड फिलामेंटस एफ एक्टिन। तो एक्चुअल में जी एक्टिन मोनोमर यूनिट है, और जब बहुत सारी जी एक्टिन कम्बाइंड होती है तो किसकी फॉर्मेशन करती है? एफ एक्टिन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है समटाइम। बच्चे लिख देते हैं एक्टिन इज़ अ एफ एक्टिन, बट नॉट। एक्टिन की मोनोमर यूनिट क्या है? जी एक्टिन। और बहुत सारे जी एक्टिन कम्बाइंड करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एफ एक्टिन की। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट? तो नेक्स्ट कम ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ जी एक्टिन, सॉरी एफ एक्टिन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही अब हम किसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं? हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं एक्टिन का, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन से ग्लोबुलर जी एक्टिन बनाऊंगी। ये देखें, ग्लोबुलर है ना बेटा, दिख रहा है आपको? ऐसा 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 ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये कम्बाइंड होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कम्बाइंड। यस, बोलो, होते जा रहे हैं कम्बाइंड। तो ये कम्बाइंड होते जा रहे हैं बेटा, ये कम्बाइंड होते जा रहे हैं, ये इंटरविंड होते जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉइल्ड वे में प्रेजेंट हैं। ये देखें आप, ये कॉइल्ड वे में ऐसे कॉइल्ड होते जा रहे हैं जी एक्टिन। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको? ग्लोबुलर या फिलामेंट लाइक? आप कहोगे फिलामेंट लाइक, तो कैन यू कॉल एफ एक्टिन? अब कह सकते हैं इसको एफ एक्टिन? तो आपको ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इसको आपने क्या कह दिया? एफ एक्टिन। और इसको क्या कह दिया? एक सिंगल जी एक्टिन। अब मुझे ये बताओ कि ये ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन था और कॉइल्ड हो गया, स्टेबलाइज होगा क्या ये? नहीं, नहीं होगा। बोलो, नहीं होगा। तो ये नहीं होगा स्टेबलाइज, तो इसको कोई ना कोई स्टेबलाइज तो करेगा। तो आप देखेंगे कि एक ट्रोपोमाइसिन रोप लाइक प्रोटीन होता है जो इसको स्टेबलाइज करता है। जो रोप लाइक प्रोटीन होता है, रोप लाइक प्रोटीन, रोप लाइक समझते हो, रस्सी जैसा, जो इसको क्या करता है? इसको स्टेबलाइज करता है। एक रस्सी जैसा प्रोटीन होता है जो इसको होल्ड करके रखता है बेटा, कि ये एफ एक्टिन डिस्प्लेस ना हो, सॉरी जी एक्टिन डिस्प्लेस ना हो। एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ मैं। मैंने कहा कि एक सिंगल यूनिट को क्या कहा आपने? जी एक्टिन। जब ये कॉइल्ड होके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको आपने क्या कहा? एफ एक्टिन। लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं है,
ये डिस्टॉर्ट हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, तो इसको डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए इसको स्ट्रेंथ देने का काम कौन करती है, एक रोप लाइक प्रोटीन। रोप लाइक प्रोटीन को नाम दे दिया आपने ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। कैसा प्रोटीन है? रोप लाइक। मेन काम क्या है? एफ एक्टिन को स्ट्रेंथ देना, एफ एक्टिन को स्ट्रेंथ देना। अभी अभी आपने किसका स्ट्रक्चर बनाया था? अभी अभी आपने स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, याद करें, मायोसिन का बनाया था ना। और मैंने कहा था एक्टिन बाइंडिंग साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है, ऐसा मैंने बताया था। तो अब ये एक्टिन को इससे बाउंड करना है, तो दैट मीन्स इसके पास भी अपना एक्टिव साइट होगा, तो ही तो बाइंड करेगा जाके यहाँ पे। तो इसका एक्टिव साइट यदि खुला रहे हर टाइम, तो ये अनवांटेड बाइंडिंग करेगा और अपनी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी। आप बैठे हैं, आपका हाथ पैर हिलता रहेगा, ऐसा तो नहीं होता। जब तक स्टिमुलस नहीं देते तब तक आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होती। तो इसके एक्टिव साइट को छुपा के रखना है, हाइड करके रखना है, ताकि अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन ना हो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके एक्टिव साइट को कौन छुपा के रखता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रोपोनिन। ये है इसका एक्टिव साइट, क्लियर है? ये इसकी एक्टिव साइट है जिसके थ्रू ये किससे अटैच होने वाला है, मायोसिन से। और इसको छुपा के हाइड करके कौन रखता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। क्लियर हो गया आपको? तो आपने कितने तरह के स्ट्रक्चर पढ़ लिए आपने एक्टिन में, तीन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। ये इन दोनों का मेन काम क्या है कि एक तो इसको स्ट्रेंथ देना और अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को रोकना, ताकि मसल्स हमारी अनवांटेड एक्टिन बाइंड ना करें। तो लिखें आप फटाफट, एक बार रिकॉल करती हूँ बेटा। एक्टिन को आपने सेकेंडरी प्रोटीन कहा, इसकी मोनोमर यूनिट को आपने क्या कहा, जी एक्टिन। जब बहुत सारी जी एक्टिन कॉइल्ड हो जाती हैं और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको आपने क्या कहा, एफ एक्टिन। क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है तो इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। यदि मैं दोनों कहूँ कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है एक फाइब्रस प्रोटीन है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है बेटा, फाइब्रस प्रोटीन की। तो इसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए एक रोप लाइक प्रोटीन है, जो क्या बोल रहे हो आप, ट्रोपोमायसिन, जिसको जो इसको चारों तरफ से रैप करके रखता है और इसको स्ट्रेंथ देता है। अभी अभी आपने कहा कि मायोसिन हेड पे मैडम एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जिस पे आपकी एक्टिन जाके बाइंड करेगी। तो यदि इसके एक्टिव साइट फ्री रहेंगे तो अनवांटेड बाइंड करेंगे और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी विदाउट एनी स्टिमुलस। तो इसके एक्टिव साइट को छुपा के हाइड करके कौन रखते हैं, ट्रोपोनिन। तो यू कैन राइट डाउन हेयर, यू कैन राइट डाउन कि आपने देख लिया कि क्या है जी एक्टिन और जी एक्टिन क्या बनाते हैं। तो जी एक्टिन, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, जी एक्टिन पॉलीमराइज टू फॉर्म एफ एक्टिन। जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन ही पॉलीमराइज होके क्या बनाता है, एफ एक्टिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा नेट का, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है ये एफ और जी क्या है मैडम। तो मोनोमर यूनिट जी है और जी कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, एफ एक्टिन बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इन द डिप्रेशन बिटवीन टू एफ एक्टिन, डिप्रेशन है थोड़ा सा, उनमें रोप लाइक स्ट्रक्चर है। तो यू कैन राइट डाउन, इन द डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कोई चीज़ कंबाइंड हो रही है तो बीच में थोड़ा स्पेस तो होगा ना बेटा। तो जब वो पॉलीमराइज हो रही है तो बीच में स्पेस है, और उस स्पेस में डिप्रेशन में क्या प्रेजेंट है आपका, ट्रोपोमायसिन। इन द डिप्रेशन बिटवीन टू एफ एक्टिन, इन द डिप्रेशन बिटवीन टू एफ एक्टिन, वन मोर रेगुलेटरी प्रोटीन, वन मोर रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट नोन एज ट्रोपोमायोसिन, नोन एज ट्रोपोमायोसिन। किस नाम से जाना जाता है, ट्रोपोमायोसिन, विच इज रोप लाइक।
कैसा प्रोटीन है? रोप लाइक। क्लियर है बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एट इंटरवल, कुछ कुछ दूरी पे, आप देख रहे हैं कुछ कुछ दूरी पे ट्रोपोमायोसिन के इंटरवल पे, एट इंटरवल हैव अनदर रेगुलेटरी प्रोटीन, अनदर रेगुलेटरी प्रोटीन। व्हाई इट इज सेड टू बी रेगुलेटरी प्रोटीन? क्योंकि ये एक्टिव साइट को क्या करके रखते हैं बेटा, ये एक्टिव साइट को छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, ताकि अनवांटेड एक्टिन की बाइंडिंग किस पे ना हो, मायोसिन पे ना हो, और अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन ना हो, नोन एज ट्रोपोनिन, ट्रोपो। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एक्टिन का। होपफुली आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर तो क्लियर हो ही गया होगा कि क्या है ट्रोपोमायोसिन, रोप लाइक है, और ट्रोपोनिन क्या है, इंटरवल पे लोकेटेड है, जो किसको होल्ड करके रखते हैं, किसको बाउंड करके रखते हैं, किसको छुपा के रखते हैं, एक्टिव साइट पे। तो आपके इसको स्ट्रेंथ देने की बात आए तो मेजर रोल ट्रोपोमायसिन का होता है, और वैसे हाइड करने में ट्रोपोनिन अलोंग विथ ट्रोपोमायसिन एक्टिव साइट को क्या करके रखती है, छुपा के रखती है, हाइड करके रखती है, मास्क करके रखती है, ताकि अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना हो। थोड़ा सा और लिख लेते हैं बेटा इसके बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका नेट का, तो स्ट्रक्चर में इरेज करती हूँ। होपफुली आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा और आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एक्टिन का स्ट्रक्चर और मायोसिन के स्ट्रक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं आपके नेट में, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से समझना। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट कवर होते हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, लिखें फटाफट। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए आप। एट रेस्ट दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, एट रेस्ट दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखते हैं, ब्लॉक द एक्टिव साइट्स, नो कॉन्ट्रैक्शन, हैंस नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो रेस्ट है, कोई स्टिमुलस नहीं आया, कोई इम्पल्स नहीं आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी रेस्ट पे। क्लियर है यहाँ तक बेटा आपको? तो आपने देख लिया कि सिंपल सा स्ट्रक्चर था, और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायसिन अनवांटेड एक्टिन को किस पे नहीं बाउंड होने देते, मायोसिन के हेड पे। थोड़ा सा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ ट्रोपो कॉम्प्लेक्स के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिटेल में आपकी एनसीईआरटी को कवर नहीं करती, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। तो ट्रोपोनिन जो देखें आप, मैंने यहाँ पे ट्रोपोनिन, एक तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी आपको पता होना चाहिए। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये? यहाँ पे आप देखें, मैंने अभी भी बनाया था आपका बहुत सारा जी एक्टिन, जी एक्टिन कंबाइंड करके क्या बना लेता है आपका एफ एक्टिन, ऐसा आपने देखा। एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं आपको, क्या समझाने के लिए बना रही हूँ मैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसमें रोप लाइक डिप्रेशन में आपकी रोप लाइक प्रोटीन थी, जिसको आपने क्या कह दिया था, ट्रोपोमायसिन कह दिया था, और इसके कुछ कुछ साइट पे आपके क्या अटैच थे, ट्रोपोनिन अटैच थे। मैंने वहाँ पे सिंगल डॉट बनाया है, और यहाँ पे आप कहेंगे मैडम ये तीन डॉट बना दिए आपने, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो मैं आपको समझाना चाह रही थी किसके बारे में बेटा, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हेयर दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ा इनलार्ज करके बताऊँ तो ऐसा देखें आप, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, तीन प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, और ये किससे अटैच होता हुआ दिख रहा है आपको, ट्रोपोमायोसिन से। और ट्रोपोमायोसिन आपके किससे अटैच है बेटा,
ग्लोबुलर प्रोटीन से, ऐसा ही है ना आपका ग्लोबुलर प्रोटीन ऑफ एफेक्टिन, इससे अटैच है, ऐसा दिख रहा है आपको। तो इसमें तीन प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, कौन कौन से, सबसे नीचे वाला जो है इसको बोला ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन टी, टी स्टैंड फॉर जल्दी से कोई बच्चा बोले, ट्रोपोमायोसिन साइट, मतलब ट्रोपोनिन का वो पार्ट जो ट्रोपोमायोसिन से अटैच है उसको क्या बोला, ट्रोपोनिन टी। सेकेंड पार्ट को आपने क्या बोल दिया बेटा, सेकेंड पार्ट को बोल दिया मैंने ट्रोपोनिन सी, क्या बोल दिया, सी, ट्रोपोनिन सी, ये आप वैसे हायर क्लास में पढ़ते हैं, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, इस पे आके कैल्शियम बाउंड करता है, एंड दिस इज ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, इनहिबिटरी साइट। तो जब तक कैल्शियम आयन नहीं आएगा तब तक आपका एक्टिन किससे बाउंड नहीं करेगा, किससे बाउंड नहीं करेगा, मायोसिन के हेड से बाउंड नहीं करेगा। तो व्हेन कैल्शियम, यू कैन राइट डाउन हियर, व्हेन कैल्शियम आयन किससे बाउंड करेगा, कैल्शियम आयन, बताएं आप किससे बाउंड करेगा, ये कैल्शियम आयन किससे बाउंड करेगा बेटा, ट्रोपोनिन सी से बाइंड करेगा। तो व्हेन कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन सी, क्लियर, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंडिंग साइट, इट डिस्प्लेसेस द ट्रोपोनिन एंड एक्सपोज एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। एक्टिव साइट फ्री हो चुका है, नाउ दिस एक्टिन बाइंड ओवर मायोसिन एंड स्टार्ट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो आज का जो सेगमेंट था बेटा वो टोटली फोकस था कि मायोसिन कैसा है, एक्टिन कैसा प्रोटीन है, किससे मिलके बना है, एंड हाउ एक्टिन मायोसिन अंडरगो पावर स्ट्रोक एंड पार्टिसिपेट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, किसी भी तरह